गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। देवरिया दौरे पर जाते समय महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौरी चौरा शहीद स्मारक पहुंचकर स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि, अमर शहीदों को किया नमन। भारतीय स्टेट बैंक के मलाव शाखा में चोरी का प्रयास करने वाले गिरोह की सरगना सहित 9 सदस्यों को क्राइम ब्रांच और बेलीपार थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपितों के पास से पुलिस ने बड़े पैमाने में चोरी व लूट का सामान किया बरामद। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने किया खुलासा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान व उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह को हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा बनाया गया हॉकी इंडिया सिलेक्शन कमेटी का सदस्य। गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के चयन में बरती जाएगी पूरी पारदर्शिता। हरियाणा के जनपद गुरुग्राम के थाना बादशाहपुर में धिगरा कंपनी के मैनेजर श्री गुरु कृपा मोदक से लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद इमरान उर्फ इमरान को यूपी एसटीएफ की टीम ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। हरियाणा क्राइम ब्रांच को किया सुपुर्द। राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की समीक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर वितरित होने वाले प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी की स्थिति का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोला थाना क्षेत्र के भर्रो कस्बे में मेडिकल स्टोर संचालक से 7 लाख रुपए की संदेहात्मक लूट की सूचना। मौके पर पहुंचे एसपी साउथ के साथ मुकामी पुलिस ने घटनास्थल का किया मुआयना, लूट का मुकदमा किया दर्ज, कहा जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट। प्रदेश के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा 2022 तक हर बेघर व्यक्तियों को घर देने का है लक्ष्य, प्रधानमंत्री के सपनों को करेंगे पूरा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक। लंबित मुकदमों के निस्तारण में हो रही देरी पर डीएम ने जताया असंतोष, कहा वादों का तेजी से करें निस्तारण जिससे लोगों को समय से मिल सके न्याय। प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 207 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2,70,00,000 CCL का प्रतीकात्मक चेक किया प्रदान, कहा अब महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। गोरखपुर में कोरोना टीकाकरण का गुरुवार से शुरू होगा दूसरा चरण। 31 बूथों पर 3,125 कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। सीएमओ ने कहा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वैक्सीन, टीकाकरण कराए जाने के लिए बनाए गए हैं नोडल अधिकारी। केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट को संतुलित बताते हुए नगर निगम के महापौर सहित भाजपा पार्षदों ने बजट की सराहना। महापौर ने कहा बजट से विकास के पथ पर अग्रसर होगा देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यों की समीक्षा। 11 और 12 फरवरी को होने वाले वैक्सीनेशन को 100% पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली बढ़ाए जाने व बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। गोरखपुर में बुधवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,436। अब तक 362 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 74 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सार्वजनिक यात्री सेवा यान से यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा तथा सम्मान हेतु जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सड़क सुरक्षा के प्रति दी गई जानकारी, दिलाई गई कर्तव्य व निष्ठा की शपथ। कोरोना काल के बाद स्कूलों में बुधवार को फिर लौटी रौनक। 11 महीने बाद खुले कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। BSE ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ स्कूलों में शिक्षण कार्य। और गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सप्ताह के तहत प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन दीनदयाल शोध पीठ पर हुआ संपन्न। विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बृहस्पतिवार को विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित।